लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवप्रभा के सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बेल आइकन दबाइए। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं, अगर आज मुझे कोई मेरी फैंस या कोई लड़की मुझे मैसेज करती तो मैं ही डर जाता हूं कि यार पहले चेक कर लूं, कोई पता नहीं कि मैं बोलूं हाँ, वो बोले आई लव यू, मैं बोलूं मी टू, तो इसमें ही गड़बड़ हो जाए। आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट अबाउट एनी बडी, बट द थिंग इज ये चीज़ ना बहुत सालों से ऐसी हो रही थी और बहुत सालों से लोग कंप्लेन करते थे लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता था। लेकिन मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है कि इसका बहुत बड़ा असर इंडस्ट्री पर तो पड़ा ही है। आई एम श्योर के आने वाले टाइम में और भी काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी सामने। तो ये पहली बार हुआ कि किसी डायरेक्टर को बाहर निकाला या किसी की जॉब छीन ली गई, विच इज़ वेरी गुड। I'm sad about my friends जो भी जिनके साथ भी हुआ है, बट जो एक एक्शन लिया जा रहा है वो कमाल है कि अगर आज कोई आदमी ऐसे हरासमेंट करता है फ़ोन के ज़रिए या यू नो काम के ज़रिए, तो उसको एकदम से जो रिएक्शन मिल रहा है ये बहुत कमाल हुआ है। एंड मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ और मेरी बेस्ट विशेज टू ऑल द लेडीज़ ऑल द वुमेन कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी सच्चाई सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई का जो रिजल्ट है वो सामने मिल रहा है बहुत जल्दी। बहुत सारे गलत भी होंगे एंड बहुत सारे अच्छे भी होंगे, बट चलो एक शुरू तो हुआ, चाहे सही या गलत हुआ, लेकिन काफ़ी लोगों को यू नो एक अकल भी आ गई है। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर आज मुझे कोई मेरी फैंस या कोई लड़की मुझे मैसेज करती तो मैं ही डर जाता हूँ कि यार पहले चेक कर लूँ, कोई पता नहीं कि मैं बोलूँ हाँ, वो बोले आई लव यू, मैं बोलूँ मी टू, तो इसमें ही गड़बड़ हो जाए। वो बोले आई लव यू, मैं बोलूँ मी टू, तो इसमें ही गड़बड़ हो जाए। बट दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि एटलीस्ट लड़कियाँ सामने आई हैं, जाग रही हैं, अपना हिम्मत रखनी है सच बोलने के लिए और उसका असर जल्दी हो रहा है।